लखनऊ और आसपास के जिलों में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शहर का मशहूर नेशनल पीजी कॉलेज अब अपने एक और नए कैंपस की शुरुआत करने जा रहा है। ये नया कैंपस बंतरा के चंद्रावल में 15 एकड़ जमीन पर बनाकर तैयार किया जाएगा। इस कैंपस में स्टूडेंट को कई तरह के प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे। न्यू कैंपस में बायोटेक्नोलॉजी, फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, लॉ, बीएलएड समेत कई कोर्स संचालित होंगे। इसके साथ ही नए कैंपस में कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल, प्रैक्टिकल लैब आदि भी तैयार करवा रहा है। इसको लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह ने अमृत विचार से जानकारी साझा की। नेशनल पीजी कॉलेज बिजनौर एरिया में अपना सेकंड कैंपस स्टार्ट करना चाह रहा है। इसके लिए कॉलेज ने अपनी जो पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, उनको रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने हमें 15 एकड़ जमीन देने के लिए तैयारी कर ली, अपनी स्वीकृति दे दी है। इस क्रम में नेशनल पीजी कॉलेज और मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के बीच में एक एमओयू 21 जून को हो चुका और उसके बाद अब गवर्नमेंट से लैंड यूज चेंज करने की परमिशन के साथ ही वहां पर बाउंड्री सहित अन्य निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे और उसके बाद हम फिर एलडीए में एक नक्शा पास करा करके नेशनल पीजी कॉलेज अपने वे प्रोफेशनल प्रोग्राम जो हमारे मूल कैंपस में नहीं चल रहे हैं उनको चलाने का कार्य वहां पे करेगा। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से संबंधित करिकुलम और बीबीए एग्रो, इसी तरह से हम अन्य बहुत से प्रोग्राम वहां पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो ला 5 ईयर हो, चाहे वो बीएलएड और डीएलएड से संबंधित कार्यक्रम हो। इस तरह से बहुत वे प्रोफेशनल कार्यक्रम जो नेशनल पीजी कॉलेज अपने मूल कैंपस में नहीं चला रहा है और समाज की और स्टूडेंट्स की डिमांड है, वे प्रोग्राम वहां पे स्टार्ट किए जाएंगे। इसी क्रम में और बहुत से ऐसे टेक्निकल प्रोग्राम भी वहां पे स्टार्ट किए जाएंगे जो रोजगार पर कितने पूरा डिजाइन जो है वहाँ का क्या प्लान्ड हो चुका है कि किस तरीके से कैंपस होगा, कितने एकड़ में कितने करोड़ की लागत से बनेगा, कुछ ऐसा? ये तो अभी नहीं डिसाइड किया गया है, लेकिन प्रपोजल ये है कि वहाँ पर क्लासरूम, एकेडमिक ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाए जाएंगे और गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट्स के लिए 2 अलग अलग छात्रावास भी बनाए जाएंगे, हॉस्टल बनाए जाएंगे और बाकी ओपन जमीन रहेगी एग्रीकल्चर लैंड के रूप में या अन्य चीजों फार्म हाउस के रूप में उसको किया जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल कर सके। ओके, क्या सर फैकल्टी भी रखी जाएगी या मतलब स्वाभाविक है जब हम नया करिकुलम स्टार्ट कर रहे हैं नया परमानेंट फैकल्टी या फिर गेस्ट फैकल्टीज? नहीं नहीं, सारे नेशनल पीजी कॉलेज अपने सब्जेक्ट में अपने कोई भी करिकुलम को जब स्टार्ट करता है तो वो परमानेंट फैकल्टी को ही रिक्रूट करता है और बाकायदा उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वो फुल टाइम टीचर होते हैं, रेगुलर मोड के टीचर होते हैं। हर टीचर को हम 6 पे और 7 पे के अनुसार सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। 12 महीने उनको सैलरी दी जाती है, उनको मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी जाती है 10 लाख तक की। हर स्टाफ का हम ईपीएफ करवाते हैं, हर एक को ग्रेचुटी प्रोवाइड कराई जाती है। जो टीचर रिसर्च में इंटरेस्टेड रखते हैं उनको मेजर और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी कॉलेज द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। 10 लाख रुपए के 2 मेजर प्रोजेक्ट और 3 लाख रुपए के 4 माइनर प्रोजेक्ट हर साल हम अपने रिसर्च फैकल्टी को रिसर्च के लिए अनुदान देते हैं।